हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइट वंडर। सो गाइस, हमारा आज का वीडियो होने वाला है लाइफस्टाइल बेसिक और ये है एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो। यस गाइस, ये मेरे वेडिंग सीरीज का पहला वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट डाउन करके, इसके साथ ही कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके भी इस सीरीज़ की डिमांड की थी मेरे चैनल पर। तो मैं अपने वेडिंग सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जो कि लेकर के आ गई हूँ। तो मैं बताऊँ गाइस कि अप्रैल इज़ माई वेडिंग मंथ एंड ऑन 27th of April आई एम गोइंग टू कम्प्लीट सेकेंड ईयर ऑफ माई मैरिज। तो मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो इसलिए बहुत सारे लोग अपने उन पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। कुछ सारे लोग जो है जानना चाहते हैं कि शादी कैसे हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो इसलिए मैं इस सीरीज़ को कुछ वीडियोज़ में लेकर के आ रही हूँ जो कि 3 या 4 हो सकते हैं, जिसका ट्रेलर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन पर दे दूंगी, आप वहां जाकर के उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो ट्रेलर अपलोड होने के कुछ समय बाद मैं सारे सीरीज़ को वीडियोस के तौर पे, अलग अलग वीडियोस के तौर पे एडिट करते जा रही हूँ और आप तक पहुँचा रही हूँ। तो आज का जो सीरीज़ है वो स्पेशली होने वाला रिचुअल्स के बारे में, जो कि मेरी शादी में, मेरे मायके में या फिर मेरे ससुराल, दोनों ओर से निभाई गई। तो मैं बताऊंगा इसकी, मेरी जो शादी हुई थी वो हुई थी छपरा बिहार से। तो मैं जहाँ तक आप लोग अगर मुझे नहीं जान रहे हो तो मैं बताऊँ कि मैंने अपनी प्राइमरी स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट की है प्रयागराज से। देयर आफ्टर मैंने अपनी हायर स्टडीज़, जूनियर एंड हायर स्टडीज़ कंप्लीट की झारखंड से, इंक्लूडिंग धनबाद एंड हज़ारीबाग। तो ऐसे में बहुत कम ही ऐसा समय रहा है कि जब मैं कंटिन्यूसली 1 साल या 2 साल अपने गाँव में रही हूँ या फिर गाँव में रही हूँ। बट मेरी शादी गांव से हुई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, रीबॉन्डिंग की चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं जब भी आप शादी को पारंपरिक तौर पे करने जाते हो। जैसे कि मेरी मदर ने डिसीज़न लिया था दैट आई वुड गेट मैरिड फ्रॉम माय विलेज ओनली, बिकॉज़ कुछ चीज़ें जो है हम अपने पढ़ाई के कारण से, कुछ कभी जॉब के कारण से या फिर कभी तीसरे कारण से हम अपने रूट से अलग हो जाते हैं, रिचुअल से अलग हो जाते हैं, अपने गाँव से अलग हो जाते हैं। तो वेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम वेडिंग सेरेमनीज अपने गांव पर करते हैं तो काफ़ी चीज़ों को फिर से बल मिलता है, फिर से उन्हें ज़िंदा किया जाता है, जैसे कि हमारे संबंधों को, हमारे रिचुअल्स को, हमारी संस्कृतियों को। आजकल शादियां वन डे इवेंट बनकर रह गई हैं, एक दिन में ही निपटा दी जाती है शादियां। कहीं समय का अभाव है, कहीं मैन पावर का अभाव है, तो बहुत सारी चीज़ें इसका कारण बनती हैं। लेकिन हमारी जो शादी हुई थी वो पूरी तरह से पारंपरिक शादी थी। मैं इधर छपरा की ओर से थी तो यहाँ पर सारी परंपराओं को निभाया गया था। साथ में मेरे हस्बैंड जो है वो मिथिला की ओर से हैं तो वहाँ भी सारी परंपराओं को अच्छे से निभाया गया था। इसका एक बेसिक कारण ये भी हो सकता है कि हम दोनों ही अपने पेरेंट्स के फर्स्ट चाइल्ड हैं, तो काफ़ी धूमधाम से ये शुरुआत की गई है शादी की, शादी समारोह की। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको अच्छा लगेगा। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो मैं बताऊं कि मेहंदी, संगीत एंड हल्दी, तीन ऐसे इवेंट्स होते हैं किसी भी हिंदू मैरिज के कि हम सभी उसके बारे में जानते हैं, आज भी वो ट्रेंड में है। लेकिन कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो मैं आज उन्हीं परंपराओं को आप तक लेकर के आई हूँ, मिथिला से भी और छपरा से भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और वीडियो पे जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरा फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। मेरे फेसबुक पेज का नाम है द इनसाइट वंडर। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द इनसाइट वंडर। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस, शादी के जो मांगलिक कार्यक्रम है वो शादी के 1 महीना पहले कुल देवी देवताओं की पूजा से ही शुरू होते हैं। तो ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं शादी से करीब 1 महीना पहले की, जहां हर छोटे छोटे नियम को शुरू किया जा चुका है। और यहां आप देख सकते हो, यहां पर चावल को हल्दी से रंग करके अच्छत बनाने का काम हो रहा है, जो कि मेरी बड़ी नानी जी करवा रही हैं। तो छोटे छोटे काम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, इसके बाद ही धीरे धीरे सभी बड़े कामों की ओर मूव किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको ये फुटेज दिखा रही हूँ गाइस, ये है मेरे ससुराल पक्ष की मिथिला की तस्वीर है। तो यहाँ ये जो महिलाएं हैं सभी एक बागीचे में हैं, और यहाँ पर
ये लोग जो है यहाँ का एक नियम होता है जिसमें दो पेड़ आम और महुआ दोनों की शादी करवाई जाती है वर वधु की शादी से पहले। तो ये सभी लोग जो हैं इस बागीचे में आकर के उसी नियम को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं और सभी लोग जो हैं यहाँ पर बागीचे में उन दोनों पेड़ को खोज रहे हैं कि कहाँ गए, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के पेड़ हैं, फल के फूल के भी पौधे लगे हुए हैं। ऐसे में किसी खास पेड़ को चिन्हित कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और ये अप्रैल का मंथ है, आप देख सकते हो धूप काफ़ी तेज़ है, तो समस्याएं तो रहती ही हैं। अगर आप कोई चीज़ पारंपरिक तौर पर निभाते हो या करते हो तो कुछ समस्याएं आती हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को किसी ने इन्फॉर्म किया है कि वो जो पेड़ है वो मिल गए हैं दोनों। तो जहाँ पर जिन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वहाँ पर वे चीज़ें उपलब्ध भी आसानी से हो जाती हैं। जैसे मैं बताऊं कि इस परंपरा में जिन दो पेड़ का महत्व है वो हर बागीचे में आपको मिल ही जाएगा और दोनों एक दूसरे के नज़दीक ही मिलेगा ताकि परंपराएं आसानी से निभाई जा सके। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर सिंदूर और ऐपन का लेप लगाते हुए हैं मेरे हस्बैंड। तो ये वर पक्ष से होता है ये नियम और जो कि वर करता है यानी कि लड़का करता है। इसके बाद कुछ और भी किया जाता है, जैसे मैं बताऊं कि पीले रंग के धागे से दोनों ही पेड़ों को आपस में बांधा जाता है। इससे आप समझ सकते हो कि जिस तरह से हम लोग सात फेरे लेते हैं कहीं कुछ ऐसा ही है, दोनों ही पेड़ों को आपस में धागों से बांध दिया जाता है। तो ये जो आगे जो धागे खोल रही हैं वो मेरी मदर इन लॉ हैं एंड देयर आफ्टर माई हस्बैंड। सो इस तरह का नियम यहाँ माना जाता है और मनाया भी जाता है, इस तरीके को अपनाया जाता है। तो मैं बताऊँ कि ये तकरीबन 7 बार किया जाता है। तो मैं बताऊँ गाइस कि यहाँ पर इसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ इसके लोकल भाषा में यानी कि मैथिली में इसका कुछ नाम भी है। वैसे मैं हिंदी में आपसे बता रही हूँ तो मेनली मैं बताऊँ कि बेसिकली ये जो नियम है इसमें दोनों ही पेड़ों की शादियाँ करवा दी जाती है आपस में। तो जैसे कि आपने देखा कि ये धागा जो है जब पूरी तरह से लपेट लिया गया 7 बार तकरीबन, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ इसे खोल भी रही हैं। तो इस तरह से खोलते हुए इस नियम को पूरा किया जाता है और जितनी भी महिलाएं हैं सभी लोग उस वक्त गीत गाती हैं, मांगलिक जो गीत इस अवसर पर गाए जाते हैं वे गाती हैं। तो इस तरह से इस नियम को पूरा किया जाता है। तो शहर में बागीचे में इन दोनों पेड़ों का अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं बताऊं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो प्रॉपर मिथिला यानी कि दरभंगा में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर उपलब्धता थोड़ी आसान है क्योंकि ये जो रिवाज है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो जैसे ही पूरा धागा जो है समेट लिया गया, उसके बाद वापसी की ओर जब भी होते हैं घर में, तो रास्ते में जो भी वहाँ पर मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर आशीर्वाद लिया जाता है, प्रसाद ग्रहण किया जाता है। उसके बाद सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर भी लगाती हैं। तो यहाँ पर जो है ये मंदिर वहाँ का फेमस मंदिर है, इसे हम राम जानकी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हो कि सभी लोग यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं और प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही महिलाएं सिंदूर यहाँ का लेकर के एक दूसरे को लगाएंगी। तो इस तरह से इस नियम को पूरा किया जाता है शादी से पहले। बेसिकली आप कह लो तो इन दोनों पेड़ों की शादी के बाद ही वर और वधु की शादी होगी, शायद यही मान्यता है इसके पीछे। तो मैंने आज तक इस तरह का नियम प्रैक्टिकली कहीं नहीं देखा था, मैंने यहाँ आकर ही पहली बार देखा और पहली बार जाना, इसलिए मुझे थोड़ा अनोखा लगा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये हैं राम जी, जानकी माँ और साथ में लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। इसके साथ ही जो भी देवी देवताओं की मंदिर यहाँ पर आएंगे, जो भी पूजा स्थली आएंगी, आप वहाँ पर आशीर्वाद लें तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो बेसिकली आपने यहाँ मिथिला की एक परंपरा को जाना
और आई होप कि आपको अच्छा लगा। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे सभी लोग मंदिर का कार्यक्रम ख़त्म हो गया है तो बाहर निकल रहे हैं, और साथ में एक दो और मंदिर है जो कि अभी बन रहा था उस वक्त, अभी तो फ़िलहाल बन करके रेडी है, तो उस वक्त वहाँ भी आशीर्वाद उनका लिया गया है। तो इस तरह से इस परंपरा को निभाया जाता है जो अपने आप में बहुत ही अनूठा है, बहुत ही बेहतरीन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं बताऊँ गाइस, यहाँ जो परंपरा निभाई जा रही है वो मटकोड़ की निभाई जा रही है। ये छपरा की परंपरा है जहाँ पर पांच बार जो है मिट्टी को खोद करके डलिया में रखा जाता है, उसके बाद उस मिट्टी से कुछ नियम है जो कि किए जाते हैं। तो ये मेरी नानी जी जो है उनके गाइडेंस में हो रहा है और इस नियम को मेरी मौसी कर रही हैं। तो बेसिकली ये लड़कियों का शादीशुदा लड़कियों का रिवाज है, इसके लिए उन्हें नेक भी मिलता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस कि ये यहाँ पर मेरे मायके का सीन है जहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर के गीत गा रहे हैं। यहाँ पर पिछले एक महीने से ही, जैसे शादी होने वाली थी उसके एक महीने से ही सुबह और शाम दो टाइम गीत गाने का जो है कार्यक्रम किया जाता था। तो ये यहाँ के रीजनल लैंग्वेज में है जो कि है भोजपुरी। आई होप कि आपको अच्छा लगा और आपने इस नियम को एंजॉय किया। आपने मिथिला और छपरा से जुड़ी हुई कुछ वैवाहिक परंपराओं को देखा और सीखा। मैं जानती हूँ कि इनमें से कुछ परंपराएं ऐसी ज़रूर होंगी जिन्हें आप पहले से जान रहे होंगे और कुछ परंपराएं ऐसी भी ज़रूर होंगी जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। तो काफ़ी दिलचस्प रहा होगा आपको इसे देखना। तो आई होप यू एंजॉयड इट। सो ये मेरे वेडिंग सीरीज़ का पहला वीडियो है, मैं जल्द ही दूसरे वीडियोज़ भी लेकर के आऊँगी आपके पास। तो तब तक के लिए बाय बाय।